हमीरपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर पिछले 7 दिनों से जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 के दर्जनों अभ्यर्थी अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार और विभाग के किसी भी नुमाइंदों ने इनकी सुध नहीं ली है। अनशन पर बैठे हुए अभ्यर्थियों से कांग्रेस के सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने हालचाल पूछा और अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अभ्यर्थियों के मामले को प्रमुखता से सरकार के समक्ष रखकर हल करवाएंगे। हमीरपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर पिछले 7 दिनों से जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 के दर्जनों अभ्यर्थी अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार और विभाग के किसी भी नुमाइंदों ने इनकी कोई सुध नहीं ली। अनशन पर बैठे हुए अभ्यर्थियों से कांग्रेस के सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने हालचाल पूछा और अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अभ्यर्थियों के मामले को प्रमुखता से सरकार के समक्ष रखकर हल करवाएंगे। एक एक लड़ाई है सर, उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। इतना हम इतने अमीर तो है नहीं कि कुछ अच्छा सा अपने लिए इंतजाम करें। थोड़ा बहुत छः एक गद्दा बिछा के उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जब इन दोनों की एडवर्टाइजमेंट ही सेम ही आरएनपी रूल्स हैं। तो कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने चयन आयोग के बाहर अनशन पर बैठे हुए अभ्यर्थियों के साथ हो रहे अन्याय पर रोष प्रकट किया। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार की बेपरवाह अफसरशाही के चलते अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। राणा ने कहा कि विधानसभा में इस मामले को प्रमुखता से उठाया जाएगा और सोई हुई सरकार को जगाया जाएगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 7 दिनों से न्याय के लिए गुहार लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा। मैंने इनकी पूरी बात को सुना है और मुझे लगता है कि इनके साथ सरकार जो है अन्याय कर रही है, और मैंने इनको भरोसा भी दिलाया है कि इस मामले को विधानसभा में हम लोग उठाएंगे और सरकार को ये बताएंगे कि आप इनके साथ अनजस्टिस कर रहे हैं, उनके साथ न्याय किया जाए। ये वो लोग हैं जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम जिन लोगों ने दिया है और इन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया है, टाइप टेस्ट क्वालिफाई किया है। मुझे ये बताया जाए कि एक तरफ सरकार जो है वो क्वालिफिकेशन जो है प्लस टू कर रही है, और जो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हिमाचल यूनिवर्सिटी से जो कंप्यूटर का कोर्स किया जाता है वो आफ्टर ग्रेजुएशन किया जाता है। गवर्नमेंट से ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि आपके पास रिकॉग्नाइज्ड प्लस टू के बाद कितने रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से ये डिप्लोमा कर सकें, और ये 7 दिन से यहाँ पर अनशन पे बैठे हैं और गुंगी और बहरी सरकार जो है कानों में रुई डाल के उंगलियां डाल के सोई हुई है। मुझे लगता है कि सरकार को जागना चाहिए और इन नौजवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलना चाहिए और उनका मामला जो है बिल्कुल जायज है, क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट पोस्टें की गई हैं, जो टर्म कंडीशन थी इन्होंने फुलफिल की हैं, और प्लस टू के लिए कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन से कोई ऐसा रिकॉग्नाइज डिप्लोमा नहीं है जिसको सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। मुझे लगता है कि सरकार को जो अफसरशाही है जैसे घुमा रही है वैसे घूम रही है, और लोगों को अन्याय नहीं मिल रहा है। हम इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे और नौजवानों को न्याय मिले इसके लिए हम प्रयास करेंगे। अनशन पर बैठे हुए अभ्यर्थियों ने बताया कि 7 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी सुध लेने नहीं आया। उन्होंने कहा कि अपने हक की लड़ाई प्रदेश के करीब 2400 अभ्यर्थियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू तक पास किया है, लेकिन परिणाम निकालने से कुछ मिनट पहले अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है, जिसके बाद कोर्ट में भी मामला जाता है, लेकिन अब अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग चुका है। उन्होंने कहा कि अगले कल मुख्यमंत्री के हमीरपुर दौरे के दौरान मुलाकात करके न्याय की गुहार लगाएंगे। हम 556 की तरफ से अभ्यर्थी हैं जिन्हें सरकार ने बाहर कर दिया है भर्ती से। हम कम से कम 2400 लोग यहाँ पे हैं और 7 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से हमारे सुध-बुध लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है। हम सरकार से ये पूछ रहे हैं कि आप लोग, हम लोगों ने चुना है, आप लोग यहाँ पे हमें देखने नहीं आ रहे हैं, तो किसके लिए आपको चुना गया है सरकार को? और हम लोग रिजेक्टेड हैं, और 447 की जो भर्ती हुई थी उसकी जो आरएनपी रूल्स वो भी बिल्कुल सेम थे, हमारी तरह ही सेम थे, और उन लोगों को आपने नियुक्ति प्रदान कर दी है सेम आरएनपी रूल्स पे, और हमें आप कहते हैं कि ये लोग एलिजिबल नहीं है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आर्टिकल 16 जो संविधान में आता है उसमें कहते हैं कि आपको राइट है इक्वल अपॉर्चुनिटी का, आपको अवसर, समान अवसर प्रदान किया जाएगा।
तो वो समान अवसर हमारे लिए कहाँ है। हम सरकार से ये पूछ रहे हैं कि किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ ये किया जा रहा है। कल सीएम साहब आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि सीएम साहब के काफिले के बाहर खड़े रहें। अगर सीएम हमारे आगे रुकते हैं, हम अपने मांग पत्र तो पहले भी दे चुके हैं, पर चलो इस बार एक कोशिश और कर लेते हैं सीएम साहब के आगे, हम अपना जो भी प्रदर्शन है उनके आगे भी रखेंगे। बही राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हमीरपुर दौरे पर चुटकी ली और कहा कि बीजेपी के लोग केवल बयानबाजी करने तक ही सीमित रहे हैं, क्योंकि तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास कांग्रेस में हुआ था और बजट का प्रावधान पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के समय में। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर सड़कों का हाल बुरा है और हमीरपुर को विकास के नक्शे से बाहर कर दिया है। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के सरकार के समय इसका फाउंडेशन स्टोन किया गया और जब ये लगभग 2.5 साल पहले फाउंडेशन स्टोन इसका हुआ था, मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल था, उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया, उसके लिए ज़मीन का प्रावधान किया गया। ये सारा का सारा जो है बिल्डिंग के लिए पैसा कांग्रेस सरकार में राजा वीरभद्र जी द्वारा दिया गया। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोचें कि ये कोई 3 महीने के अंदर कोई रातों रात को चमत्कार हो जाएगा और 3 महीने के अंदर बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। अगर ये बिल्डिंग खड़ी हुई है तो राजा वीरभद्र जी का और कांग्रेस पार्टी का इसमें योगदान है। कि आखिर ये जो सरकार 2 साल से काम कर रही है, क्या वजह है कि हमीरपुर जिला की पूरी तरह ये सरकार अनदेखी कर रही है। लड़ाई झगड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आपसी हैं और सजा जो है वो जिले की जनता भुगत रही है। सड़कें पूरी तरह टूटी हुई, मैंने कई बार एजिटेशन किया कि सड़कें जो पूरी तरह टूटी हैं, प्रदेश में आप कहीं जाओ सड़कें तो टूटी हैं पर बाकी जगह कम टूटी हैं, पर हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर में सबसे ज़्यादा सड़कें टूटी हैं। तो क्या सरकार जो है उसने हमीरपुर जिला को हिमाचल के नक्शे से बाहर कर दिया है? हम पूछना चाहते हैं कि भाई 2 साल में आपको किसने रोका है? एक भी ईंट एक भी पत्थर जो है बिल्डिंग के नाम निर्माण के नाम नहीं लगा। 4 करोड़ रुपया फंड आए हुए हैं वो अनस्पेंट है, तो आप कर क्या रहे हैं? कौन सा ये काम भारतीय जनता पार्टी ने 2 वर्षों में हमीरपुर जिला में किया है? पूरे प्रदेश में नहीं हुए अलग बात है, परंतु मैं जिला हमीरपुर की बात कर रहा हूं कि कौन सा एक नया काम जो है वो इस सरकार ने किया है। पूरे प्रदेश में इसमें विकास जो पूरी तरह ठप है और विकास नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। हमीरपुर जो है विकास से काफी कोसों कोसों दूर चला गया है।